नमस्कार, मैं प्रिया धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के 30 सबसे बड़ी खबर। बिहार में पुलिस ने अब शराब तस्करों पर नकली कसने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। गोपालगंज में शराब तस्कर को रोकने के लिए पुलिस एक्शन में आ गई है। यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों से शराब की हो रही तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत अब जेल से जमानत पर छूटे शराब तस्करों व शातिर अपराधियों के घर जाकर पुलिस सत्यापन करेगी, ताकि पता चल सके कि अपराधी या शराब तस्कर समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं या नहीं। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस साल गणतंत्र दिवस परेड बेहद खास होने जा रहा है। इस बार परेड में महिलाएं भी परेड करती नजर आएंगी। कर्तव्य पथ पर परेड मार्चिंग 10, झांसी और सांस्कृतिक परिस्थितियों में भी महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलेगा। वहीं महिलाएं सैनिक में भी इस बात का जोश देखने को मिल रहा है। इस परेड में महिला सशक्तिकरण की तस्वीर झलकेगी। इसे लेकर रक्षा मंत्री के विभागों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। देश में पहली बार ऐसा होगा जब आर्म फोर्थ मेडिकल सर्विस की महिलाएं टुकड़ी गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड करेंगी। इसके अलावा भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना से भी एक एक टुकड़ी इस परेड का हिस्सा होंगे। सभी महिलाएं भारतीय सेनाओं में नारी शक्ति के बढ़ते वर्चस्व का प्रदर्शन करेंगी। 28 जनवरी की रात बिग बॉस लवर्स के लिए काफी खास होने वाली है। इस दिन शो को अपने 17वें सीजन का विनर मिल जाएगा। फैंस भी शो के विनर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि विनर की रेस में मुनव्वर फारूकी, अंकिता लोखंडे, अभिषेक कुमार, मनारा चोपड़ा और अरुण महासेठी शामिल है। इसमें से विनर की ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी या तो ग्रैंड फिनाले के बाद ही पता चलेगा। बिहार में परिवारवाद को लेकर बहस छिड़ गई है। जदयू द्वारा राजधानी स्थित बेनेट्री कॉलेज परिसर में आयोजित कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीतिक में अपने परिवार को बढ़ाने की परंपरा पर खूब कटाक्ष किया है। वैसे उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, पर उनके इस कटाक्ष की राजनीतिक गलियारों में कई संदर्भों में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने जननायक कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते हुए कहा है कि वह राजनीतिक में परिवारवाद को आगे बढ़ाने के समर्थक नहीं थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर आम लोगों के लिए भी खुल गया है। इसके साथ ही अयोध्या में टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं होटल कंपनियों को भी काफी फायदा होगा। इससे इस सेक्टर की कंपनियों की कमाई बढ़ेगी। इस सेक्टर की जो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, उनके स्टॉक भी ऊपर चढ़ने की उम्मीद है, जिसमें SIS लिमिटेड, एलाइड डिजिटल सर्विस, कमाट होटल एंड पक्का लिमिटेड शामिल है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आज जयपुर के पहाड़ी किले, आमेर प्रसिद्ध हवा महल और जंतर मंतर के खगोलीय अवलोकन स्थल का दौरा करके भारत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत करेंगे। मैक्रो 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, जो इस प्रतिष्ठित वार्षिक समारोह की शोभा बढ़ाने वाले फ्रांस के 6ठे नेता बन जाएंगे। जयपुर में मैक्रो द्विपक्षीय भारत फ्रांस संबंधों और विभिन्न भू राजनीतिक बदलावों के सभी पहलुओं पर ताज रामबाग पैलेस में व्यापक बातचीत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक रोड शो में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर जिस चीज के लिए जाना जाता है, वह रौनक एक बार फिर लौटने वाली है। जी हां, कश्मीर जल्द बर्फ की सफेद चादर में लिपटने वाली है। मौसम विभाग ने 26 जनवरी से 1 फरवरी के बीच मैदानी इलाकों के साथ साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। IMD के मुताबिक लंबे समय तक सूखे के बाद कुछ अच्छी खबर आने वाली है। कश्मीर में 26 से 1 फरवरी के बीच बर्फबारी की संभावना है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म फाइटर काफी लंबे समय से सुर्खियों में छाई हुई थी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये एक्शन एडवेंचर फिल्म अब थिएटर में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो वहीं एडवांस बुकिंग की बात करें तो आज यानी 25 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म फाइटर ने अच्छी खासी एडवांस बुकिंग कर ली है। एक ओर फैंस इसकी रिलीज को लेकर खुश हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके लिए बुरी खबर भी सामने आ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर खाड़ी देशों में बैन की गई है। इसका मतलब यह है कि फाइटर गल्फ कंट्री में रिलीज नहीं होगी। गेमिंग ऐप के माध्यम से हाल ही में हुई धोखाधड़ी के जवाब में गृह मंत्रालय की साइबर विंग ने एक चेतावनी जारी कर लोगों को ऑनलाइन गेमिंग में सावधानी बरतने का आग्रह किया है। गृह मंत्रालय की साइबर विंग के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने एक चेतावनी में संदेश जारी करते हुए कहा है कि स्मार्ट खेले, सुरक्षित खेले, ऑनलाइन गेमिंग के दौरान सुरक्षित रहे। साथ ही साइबर सुरक्षा विंग ने चेतावनी दी है कि कभी भी गेम ऐप इन खरीदारी आकर्षक सब्सक्रिप्शन ऑफर के जाल में न फंसे। साइबर सुरक्षा विंग ने चैट या मैचों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतने का भी सुझाव दिया है।
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को निगाहें अब आसमान की ओर है। जमीन पर सड़क और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के बाद उनका अगला लक्ष्य लोगों को आसमान के रास्ते सैर कराने का है। गडकरी ने नेशनल रूपे डेवलपमेंट प्रोग्राम को पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा बताया है। उनके तहत देश भर में 200 रूपवे प्रोजेक्ट बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे 5 साल में तैयार किया जाएगा और प्रोजेक्ट पर करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। गडकरी ने कहा है कि इसके लिए धन की व्यवस्था सरकार के साथ साथ प्राइवेट कंपनी से भी की जाएगी। योजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पूरा किया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र खेल ग्राउंड में प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन होने जा रहा है। इस बार 3 साल के बाद पटना पायरेट्स की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी। टीम पटना पहुंच चुकी है और रोजाना पाटलिपुत्र खेल ग्राउंड में पहुंचकर अभ्यास में जुटी हुई है। तो वहीं पटना पायरेट्स की टीम 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 4 मैच खेलेगी। बता दें कि 26 जनवरी को पटना पायरेट्स का मुकाबला बंगाल वायरल्स के साथ होगा। इसके अलावा 27 जनवरी को पटना पायरेट्स का मुकाबला पुनेरी पटल्स के साथ होगा। 29 जनवरी को पटना प्राइड्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस के साथ होगा। 31 जनवरी को पटना प्राइड्स का और बेंगलुरु बुल्स के साथ मुकाबला होगा। दरभंगा से अयोध्या वाया दिल्ली जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन में 4 मार्च तक सीटें फुल है। बता दें कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दरभंगा के लिए रवाना किया था। यह ट्रेन नियमित रूप से सप्ताह में 2 दिन दरभंगा से सोमवार और गुरुवार को और आनंद विहार से मंगलवार और शुक्रवार को संचालित हो रही है। वहीं दरभंगा से अयोध्या के लिए 1 फरवरी से स्पाइडर जेट कंपनी विमान सेवा शुरू कर रही है। इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से मशहूर तापसी उपाध्याय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जो इस वक्त चर्चा में है। इस वीडियो में वह थार पर अपना ठेला लगाकर पानीपुरी बेच रही हैं। इस वीडियो के साथ आनंद महिंद्रा ने कहा है कि उनकी गाड़ी लोगों को आगे बढ़ाने और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करेगी। प्राण प्रतिष्ठा होते ही 5 वर्ष के रामलला करोड़पति हो गए हैं। देश दुनिया के भक्तों ने नव्य मंदिर में आराध्य के विराजमान होने की खुशी में 3.17 करोड़ रुपए की निधि समर्पित की है। वैसे तो रामलला को हजारों करोड़ों का दान और चढ़ावा मिला है, साथ ही राम मंदिर में दर्शनार्थियों के उमड़े के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। लेकिन ताजा घटनाक्रम में यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसके लिए श्रद्धालुओं को कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। अब जोमैटो से आप खाना मंगवाने के अलावा पेटीएम या फ्री चार्ज की तरह पेमेंट भी कर सकते हैं। RBI ने फूड डिलीवरी कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर बनाने के लिए लाइसेंस दे दिया है। इससे अब जोमैटो अपनी ऐप के जरिए भुगतान की सेवा भी प्रदान करेगी। कंपनी ने शेयर मार्केट को दी जानकारी के अनुसार इसकी पुष्टि की है। हैदराबाद में भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो की टीम ने एक सरकारी अफसर से यहाँ छापा मार कर लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की है। हैदराबाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एक सरकारी अफसर के यहां छापा मार कर लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व निदेशक बालकृष्ण पर ACB के छापे पर ACB तेलंगाना के अधिकारियों ने बताया कि 100 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य के अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। 90 लाख रुपए नगद, 2.5 किलोग्राम सोना, 32 लाख रुपए की गाड़ियां जब्त की गई है। चीन ने नेपाल और भारत के पानी पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से तिब्बती क्षेत्र में एक नए बांध का निर्माण पूरा कर लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का एक ऐसा कदम है जिसमें वह नेपाल और भारत के उत्तरी मैदानी में जल प्रवाह पर नियंत्रण करेगा। 22 जनवरी को उपग्रह चित्रों का हवाला देते हुए बताया गया है कि चीन ने मामचा संगाको नदी पर बांध निर्माण का पूरा कर लिया है। जिस तरह देश की आज़ादी आसान नहीं रही, ठीक उसी तरह शेयर बाजार का सफर भी आसान नहीं रहा। एक छोटे से भारत में बरगद के पेड़ के नीचे शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी। आज ये ग्लोबल शेयर मार्केट में 4th स्थान तक पहुंच चुका है। जी हाँ, इस मुकाम तक पहुंचने में बाजार में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, जैसे हर्षद मेहता स्कैम, COVID-19 मार्केट क्रैश आदि। इस तरह के स्कैम के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार ने अपना काफ़ी अच्छा प्रदर्शन बना रखा है। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को एक बार फिर से बड़ी मदद भेजी है और दुनिया को बता दिया है कि भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता भाई भाई वाला है। दरअसल अफगानिस्तान इन दिनों टीडियो के आतंक से जूझ रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को टीडियो से निपटने के लिए 40,000 लीटर मेथाइन की आपूर्ति की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने वाला ईरान को माध्यम बनाकर भारत ने अफगानिस्तान को ये सप्लाई की है। छात्रों के भविष्य को देखते हुए केंद्र सरकार ने निजी कोचिंग संस्थान को लेकर एक बेहद
बड़ा फैसला सुनाया है। जो भी कोचिंग संस्थान प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षण देता है अब उसे सरकार के अंतर्गत खुद का पंजीकरण करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन का कोचिंग सेंटर 2024 के तहत बनाई गई नियमावली को केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिया गया है ताकि वह उन्हें लागू करवाएं। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए निर्देशालय के मुताबिक अब कोचिंग संस्थान अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की 100% गारंटी जैसे भ्रामक वादों को भी पूरा नहीं कर सकेगा। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद मीडिया ब्रीफिंग को स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थी। बैठक कैबिनेट हॉल में हुई लेकिन इस बार मीडिया ब्रीफिंग अचानक रद्द कर दी गई। सूचना जनसंपर्क विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से मीडिया ब्रीफिंग रद्द की जाती है, लेकिन कैबिनेट विभाग की तरफ से 22 जनवरी को जो पत्र जारी किया गया था उसमें 25 जनवरी के बाद कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग के बारे में जानकारी दी गई थी।